हेलो स्टूडेंट्स, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर ओके द रिलीज ऑफ द डेट्स ऑफ योर नेक्स्ट JEE सेशन. सो जैसे तुम लोगों को मालूम है, JEE का जो थर्ड सेशन है, थर्ड फेज है, और जो फोर्थ फेज है उसका डेट्स आ गया. NTA हैज ऑलरेडी रिलीज द डेट. ये सुनो, थर्ड फेज के लिए जो डेट रिलीज किया गया हुआ है, दैट इज 22-25 July. And for the fourth session, for the fourth phase, it's between 27 to 2nd August. So 27 July to 2nd August. So now the thing is that the time left for you to give a quick revision. For some students, it will be a quick revision, I know. And for some students, maybe it will be just starting. Okay? क्योंकि lockdown तो Netflix और game खेलने में थोड़ा चला गया, तो पढ़ाई का ज्यादा time नहीं मिला होगा. ठीक है? So इसी टाइम के अंदर मैनेज करना है अभी. सो ये वीडियो मैं इसलिए मेनली दे रहा हूँ, ओके, सो बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को कुछ इस वीडियो के थ्रू मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर दूं, जो तुम लोग आने वाले JEE के लिए प्रैक्टिस कर सकता है. एंड ऑल्सो, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर फिजिक्स के लिए तुम लोगों को, अगर तुम लोग वो अभी फिलहाल, बिकॉज प्रैक्टिकली इफ यू सी, तुम लोगों के पास जो सेशन थ्री है, जो थर्ड फेज है JEE का, उसके लिए तुम लोगों के पास हार्डली 10 से 11 days है. और जो फोर्थ फेज है उसके लिए तुम और 6 to 7 days जोड़ दो, है कि नहीं? तो ज्यादा दिन बचा तो नहीं है. सो इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपेरेशन, यू कैन कंप्लीट द होल प्रिपेरेशन नाउ. ओके, एज सून एज द डेट वॉज रिलीज, इट वॉज ए गुड न्यूज फॉर सम स्टूडेंट्स, दोज वर वेटिंग. चलो रे भाई, कब से कब एग्जाम तो खत्म हो जाए, कब से वेट कर रहे हैं, एग्जाम हो ही नहीं रहा है, बोर्ड्स भी कैंसिल हो गया, चलो JEE खत्म हो जाए, टेंशन चला जाएगा. एंड फॉर सम स्टूडेंट्स इट वॉज ए शॉक, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग दैट थोड़ा और ये लेट से होगा, क्योंकि अभी तक सिचुएशन उतना भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ. बट अगेन सिंस ओके द सिचुएशन इज मच बेटर देन बिफोर, ओके, ऑल्सो द नंबर ऑफ सेंटर्स हैज बीन इंक्रीज, सो द गवर्नमेंट, इट वॉज ऑलरेडी नोन द, जब भी थोड़ा सिचुएशन बेटर होगा, गवर्नमेंट विल ट्राई to complete the examination as quick as possible. Okay? Now the thing is that जो third phase है उसमें सिर्फ तुम लोग का BE BTech का paper आने वाला है, और जो fourth phase है उसमें BE BTech के साथ साथ तुम लोगों का क्या बोलते हैं BE Architecture भी होगा, है कि नहीं? दो paper हो जाएगा. Now physics का अगर तुम लोग mainly देखो, तो physics का mainly क्या है, दो category में divided है कि नहीं? एक उसमें मेनली 20% जो वेटेज दिया गया हुआ है, अभी तुम लोग को मालूम होगा दैट इज गिवन टू एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड क्वेश्चन, है कि नहीं? 80% हो गया अलग से, और 20% एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड क्वेश्चन को ऑलमोस्ट दिया गया हुआ है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, द बेस्ट ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड. नाउ ये सब क्वेश्चन ना तुम लोग ज्यादा रट्टा नहीं मार सकता, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो तुम लोग को प्रैक्टिकल का चीज आना होगा, एरर निकालना ये सब थोड़ा बहुत आना होगा. ठीक है, एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, जो तुम लोग का लैब मैनुअल है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, CBSE का लैब मैनुअल है, यू कैन गो थ्रू दैट लैब मैनुअल. ओके, यू कैन स्टडी द क्वेश्चंस देयर, द वाइवा क्वेश्चंस देयर, दैट वन विल गिव यू सम आइडिया और सम अप्रोच, ओके, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन मे कम. ऑल्सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ वीडियो वेयर आई विल डिस्कस सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्किल क्वेश्चंस. ओके, सो ये हो गया 20% के बाद, अभी बाकी बचा 80%. नाउ देखो जो बात है, ओके, 80% 20% जो भी है, सब मिला के हम लोग को पढ़ना तो सभी है. ठीक है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम जो अभी हम लोग सब पढ़ाई करें, है कि नहीं? तुम लोग के पास अभी उतना टाइम नहीं है. सो एटलीस्ट तुम लोग का ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है, जो मुझको एटलीस्ट 40-50+ आ जाए फिजिक्स में. ठीक है, जिन लोगों के लिए अभी तक प्रिपेरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, एटलीस्ट मुझको 45-50 तक आ जाए फिजिक्स के लिए. सो तुम लोगों को मालूम है दैट देयर विल बी 30 क्वेश्चंस, ओके, 20 MCQ जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, एंड 10, ओके, 10 विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व एनी 5. ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग, यू आर गेटिंग एन ऑप्शन, तुम लोगों को कोई भी 5 सॉल्व करना है. एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. ओके, तो ये हो गया फिजिक्स का पेपर का पैटर्न. अभी जो चैप्टर्स है देखो, हाँ, मोर और लेस ज्यादातर चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 मैक्सिमम, किसी किसी टॉपिक्स में से पूरा मिला के, ओके, 3 क्वेश्चन आ सकता है. सो जो मेरे हिसाब से अभी तुम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके लिए तुम लोगों को प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हो गया मैकेनिक्स.
दैट मीन्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन. मोशन इन ए प्लेन का तुम लोगों का मेनली देखो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब में से क्वेश्चन कम आता है. तो तुम लोगों को मेनली ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, उसका जो वो पैरेललोग्राम लॉ है, कैसे रिजल्टेंट निकालना है, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको, रेन मैन, बोट मैन. ओके, फिर अनदर सेगमेंट इज देयर दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ो. ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सब का क्वेश्चन आंसर अच्छे से करो. ठीक है, सो काइनेमेटिक्स यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, अप टू 2 to 3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. नेक्स्ट आफ्टर काइनेमेटिक्स इफ यू सी वेटेज वाइज, ओके, इंपॉर्टेंट, देन ऑब्वियसली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, जो फर्स्ट ईयर में से ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन इस सेगमेंट से भी आने का चांसेस रहता है. नाउ अगेन इफ यू गो फॉर वन मोर व्हाट टू से चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, यू कैन गो फॉर लॉज ऑफ मोशन. नाउ दीज आर इजी चैप्टर्स. ओके, दीज आर इजी चैप्टर्स फ्रॉम विच वन क्वेश्चन में कम, बट ये सब ना तुम लोग को रिविजन करने में और ये सब का टॉपिक खत्म करने में बहुत जल्दी से हो जाएगा. ठीक है, जैसे लॉज ऑफ मोशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया तुम लोग का फ्रिक्शन वाला पार्ट. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं जो बाकी नहीं करना है, लेकिन फ्रिक्शन का थोड़ा अच्छे से ज्यादा करना है. सो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन, जैसे इजी चैप्टर, कॉम्पेरेटिवली इजी चैप्टर. यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम वर्क एनर्जी पावर, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्पेरेटिवली इजी चैप्टर. यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन. ओके, सो लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, ये तीन थोड़ा बहुत इजी चैप्टर है. अगर ये तीन चैप्टर कर लोगे तो इसमें कम से कम 2 to 3 क्वेश्चन इसी सेगमेंट में से आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. उसके पहले मैंने तुम लोगों को बोला हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एंड उससे पहले जो मैंने चैप्टर का नाम बोला दैट वाज दिस सेक्शन, व्हाट टू से काइनेमेटिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू कैन गो फॉर सेंटर ऑफ मास इंक्लूडिंग रोटेशनल मोशन. नाउ सम स्टूडेंट्स मे फाइंड इट हार्ड, सो इफ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड देन छोड़ दो. अभी उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, जो हम लोग टाइम देखे सीख के फिर देखे ये चैप्टर होगा कि नहीं. सो आई विल बी जस्ट गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ 8 to 10 चैप्टर्स. इसमें से अगर 1-2 चैप्टर छोड़ना है छोड़ दो. इट इज ओनली फॉर सो दैट यू कैन स्कोर ए नो डिसेंट मार्क्स इन फिजिक्स इन द कमिंग व्हाट यू से जनरली एग्जाम. ओके, क्योंकि अभी तुम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, मैंने जैसे पहले बोला. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू कम टू द सेकेंड ईयर, ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन एक्सपेक्ट अगेन 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम हियर. करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्टेटिक्स द फर्स्ट 2 चैप्टर कॉम्बाइंड, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, मैग्नेटिज्म. ओके, सो द फर्स्ट 4 to 5 चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज इलेक्ट्रोस्टेट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म टोटल. ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इंक्लूडिंग टोटल मैग्नेटिज्म. सो ये पोर्शन में से भी ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 to 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैग्नेटिज्म से भी तुम 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टेट से भी तुम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ अगेन इफ यू वांट टू गो फॉर ए इजियर चैप्टर जो तुम लोग को थोड़ा जल्दी हो जाएगा और जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आने का चांस है, देन यू शुड गो फॉर सेमी कंडक्टर इंक्लूडिंग लॉजिक गेट. नाउ लॉजिक गेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो सेमी कंडक्टर इंक्लूडिंग लॉजिक गेट विल बी वन मोर ऑप्शन जिसको तुम लोग को देखना चाहिए. ओके, सो दैट यू कैन सॉल्व और यू कैन प्रैक्टिस फॉर द कमिंग एग्जाम. ये जल्दी से हो जाएगा, ये जो चैप्टर है ये सब ज्यादा टाइम नहीं लेगा. ओके, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, सेमी कंडक्टर्स, ये सब ज्यादा टाइम नहीं लेगा. हाँ, बाकी जो पोर्शन है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. नाउ अगेन अगर हम लोग देखें ऑक्सीलेशन एंड वेव. ओके, ऑक्सीलेशन एंड वेव ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन आ सकता है. ओके, देन अगेन यू कैन गो फॉर दिस वन, व्हाट टू से ऑप्टिक्स. ओके, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ऑप्टिक्स. फ्रॉम ऑप्टिक्स ऑल्सो डेफिनेटली यू कैन गेट रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चन. ओके, बिकॉज देखो देर आर चैप्टर्स, सो मेनी चैप्टर्स एंड क्वेश्चन ऑल्सो हार्डली इट विल कम 1 or 2 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम 1 चैप्टर. किसी किसी चैप्टर में से आएगा भी नहीं, किसी किसी चैप्टर में से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा ही होता है कि नहीं. इसलिए मैंने बोला जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छे से कर लेना, एक्सपेरिमेंटल स्किल का वो ऊपर से देख लेना. एंड ठीक है, अगर तुम लोग को लिस्ट के हिसाब से देखना है अगर कौन कौन सा चैप्टर, ठीक है, ऐसे तुम लोग को टारगेट करना होगा, क्योंकि अभी देखो तो तुम लोग के पास सारा दिन है. सो इन 1 डे यू कैन एटलीस्ट रिवाइज 1 चैप्टर. सो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक लिस्ट. यू शुड गो फॉर मैकेनिक्स, यू शुड गो फॉर वर्क एनर्जी पावर प्लस ग्रेविटेशन, यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स बोथ द चैप्टर्स, यू शुड गो फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यू शुड गो फॉर मैग्नेटिज्म टोटल, यू शुड गो फॉर सेमी कंडक्टर, यू शुड गो फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू शुड गो फॉर रोटेशनल मोशन.
Okay, so according to this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, I gave you a list of 8 topics or 8, categories. Now, you have 10 days or for the next phase, you have some more days. So if you take a target that at least you are revising one day, then also I think you can cover it up. Okay, so if you see, there is the chapters that I told you, there is a chance of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Around 11 to 13 questions coming from here. Okay, ये जो मैंने टॉपिक्स तुम लोगों को बोला यहाँ से कम 11 से 13 क्वेश्चन आने का चांसेस है. It may be 11, it may be 10, it may be 12, it may be 13. Okay, but at least if you can go for 10 to 12 question also, I think you will score a good decent marks in physics. Okay, those students who are already preparing from the beginning, you can also go through this chapter a little bit strongly. ये सब chapter को last moment revision के हिसाब से तुम लोग ले सकते हो ताकि तुम लोगों का preparation जो है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए. Okay? ये video के link में मैं ये chapters का ठीक है कुछ worksheet डाल दूंगा. I will just give you some worksheet along with solutions. Solutions are present. So you can go through that worksheet. You can find the solution. You can practice. And I will not say that possible होगा कि नहीं. Okay, but if I can, I will prepare some videos on some particular topics, on some hard topics like rotation, wave optics and these all, and I will provide you. Okay, so just make sure that you prepare to your best, because already बहुत ज़्यादा loss हो चुका है इसके वजह से boards exam भी नहीं हुआ. So at least अभी कुछ तो करना होगा ना. So you have to give it a try. So try your best. Okay, thank you.